टमाटर। ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग मैंने बताया था है ना, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन तो कर ही दिया था, उसको लिख दे रहा हूँ, फाइन स्टेटमेंट में बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर खत्म होते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर जियोलॉजी का। ठीक ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, समझेंगे ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी रिकॉल करेंगे लास्ट लेक्चर को, फाइन। ड्यूरिंग डे टाइम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड, जिसके चलते बिकॉज ऑफ दिस द पीएच इज अल्कलाइन है ना, इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड के चलते एसिडिक होता है, लेकिन अभी यूज्ड अप हो जा रहा है इसलिए पीएच अल्कलाइन है ना, अल्कलाइन पीएच ब्रेक्स अलाउज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू मैलिक एसिड, डायरेक्ट में आ रहा हूं ठीक ना, मैलिक एसिड फाइन, मैलिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू, किसमें डिसोसिएट्स होगा बताएंगे जरा, मैलिक एसिड किसमें डिसोसिएट हो रहा था, मेलेटायन में ठीक ना, निगेटिव आयन एन एच प्लस में फाइन, यही हो रहा था ना। फर्दर हाइड्रोजन आयन इज पम्प्ड आउट फ्रॉम गार्ड सेल एंड पोटेशियम आयन एंटर्स द गार्ड सेल है ना, बाय द हेल्प ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन आयन पंप, पोटाशियम हाइड्रोजन आयन पंप, दिस नीड एटीपी है ना। Beside the entry of potassium ion, Cl minus ion 2 gets facilitated into guard cell. है ना, पोटेशियम आयन के चलते क्लोराइड आयन भी खींचा चला आता है गार्ड सेल के अंदर। अब क्या होगा देखते हैं, हाइड्रोजन आयन पंपिंग आउट, पंपिंग ऑफ ठीक ना, PUMPING, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मीडिएटेड बाय साइटोकाइनिन, याद रखेंगे है ना, आता है कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट करता है इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, साइटोकाइनिन फाइन। फर्दर आगे चल के फ्यूजेस विथ मेलेट आयन ठीक है, ये माइनस है, एंड फॉर्म्स पोटाशियम मेलेट, है ना पोटेशियम मैलेट बनाएगा ओके। अब ये पोटेशियम मैलेट कहाँ चला जाएगा, पोटेशियम मैलेट
एंटर्स गार्ड सेल, गार्ड सेल्स वैक्यूल, इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो सेल के पास पानी लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना? फाइन। ड्यू टू इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉट पोटेंशियल, आई एम सेइंग प्रेशर, फाइन, ऑस्मोटिक प्रेशर, PRESS, द गार्ड सेल टेंड्स टू एक्वायर वाटर फ्रॉम आउटसाइड। और ये होता भी है ना? सो एंडोस्मोसिस होकर एंड गार्ड सेल बिकम्स क्या होगा, टर्जिड या फ्लैसिड या श्रिंक कर जाएगा। जेड, कम ऑन, फ्लैसिड, टर्जिड होगा, बिकम्स टर्जिड एंड दिस लीड्स टू टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, है ना? इसके चलते स्टोमाटा ओपन हो जाता है। फाइन, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था स्टोमाटा ओपन होने का रीजन बस एक है, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। तो टर्जिडिटी होने के लिए गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर करना होता है, पानी एंटर कर गया, दरवाजा रखें, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये तो था ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, नाउ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कर रहा हूं मैं। देखिए, गार्ड सेल कुछ इस पोजीशन में था, है ना? इस पोजीशन पे था गार्ड सेल, इसके अंदर हुआ एंडोस्मोसिस, है ना? एंडोस्मोसिस हुआ जिसके चलते इस गार्ड सेल का, ठीक है, डायमेंशन चेंज होगा लॉन्गिट्यूडनली, नॉट क्या बोलेंगे, रेडियली, फाइन, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, डायमीटर इसका सेम रहता है, ध्यान देंगे, डायमीटर चेंज नहीं होगा, इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट है जो डायमीटर को लिमिट करके रखे हुए हैं। फाइन, ये एक्सपांड होना है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, यहाँ पे स्टोमाटल अपर्चर ओपन हो गया, अपर्चर, फाइन, ये ओपन हो गया। ओपन होने के चलते क्या होगा, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होना है, हो सकता है CO2 बाहर निकले, है ना, ऑक्सीजन अंदर जाए, वाटर वेपर बाहर निकले, फाइन। नाउ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा देखते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, है ना? क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए क्या करना होगा, स्टोमाटा की जो टर्जिडिटी है उसको खत्म करना है, इसको फ्लैसिड करना है। टू क्लोज द स्टोमाटा
गॉड सेल, मस्ट रिटर्न टू फ्लासिन. From turgid condition. Fine. Okay. So देखिए क्या होता है. During night time. रात के समय में क्या कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है पौधे के अंदर? बताएंगे जरा, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है पौधे के अंदर? हेलो सर, नहीं होना है. फाइन, नहीं होना है. कार्बन डाइऑक्साइड is not utilized. हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थर्मिक इफेक्ट देता है ना, एसिडिक इफेक्ट देता है. We know that CO2 gives thermic effect, मतलब thermic and acidic effect. जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वो एरिया या तो एसिड या वो एरिया एसिडिक होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा. ध्यान देंगे, ठीक है. सो क्या होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम? है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अब पानी के साथ बाइंड करेगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट? H2CO3 in large amount. है कि नहीं है? अब H2CO3 कार्बोनिक एसिड जब ज्यादा बनेगा तो pH क्या होगा? Due to more production of, come on, tell me, क्या होगा pH पे, क्या असर पड़ेगा? कार्बोनिक एसिड, the pH goes down या goes up? Down हो जाएगा. The pH of guard cell क्या होगा? Yes, क्या होगा? Decrease. Goes down. है ना, pH घटेगा, acidic में होगा. Now, ठीक है. Now, at low pH, fine, starch टूटेगा ही नहीं. Starch can't be oxidized into. Oxidized into phosphoenol pyruvate and so on. आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं रिएक्शन, ठीक है. ये स्टार्च था, स्टार्च अब टूटेगा ही नहीं एट पीएच लेस देन 7, है ना. यहाँ पे ईएमपी पाथवे होगा ही नहीं, तो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरवेट बनेगा ही नहीं, है ना. तो ये पूरा पाथवे क्या हो जाना है? डिस्टर्ब हो जाना है. पीपी नहीं बनेगा, है ना. सो पीपी नहीं बनेगा तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो मेलिक एसिड भी नहीं बनेगा, है ना. मेलिक एसिड नहीं बनेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी नहीं आएगा और मेलेट आयन भी नहीं आना है, कुछ नहीं होना है. फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ एट दिस सिचुएशन एब्सिसिक एसिड इज एक्टिव, है ना. जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सेल में, ठीक है, एब्सिसिक एसिड का एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है. स्ट्रेस हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन. फाइन, एब्सिसिक एसिड इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन. है ना,
एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, ए बी ए ब्रेक करता है, ब्रेक्स द पोटेशियम मेलेट इनटू आयन एंड मेलेट, फाइन, एंड रिमूव्स द पोटेशियम आयन आउट ऑफ कार्ड सेल, है ना। क्या कर रहा है, पोटेशियम मेलेट को तोड़ के पोटेशियम और मेलेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। इतना ही नहीं, पोटेशियम आयन को बाहर कर दे रहा है गार्ड सेल के। तो जैसे ही ये फिनोमिनन रिवर्स होगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर तो घटने लगेगा ना, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर घटने लगेगा, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट तो अब है ये नहीं है, है ना। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, है ना। अब क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, एक्सोस्मोसिस ऑकर्स विच मेक्स द सेल गार्ड सेल फ्लैसिड। कार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा एंड स्टोमेटल अपर्चर क्लोजेस ऑफ। ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। किसी को कुछ पूछना है? ईएमपी क्या है? देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ईएमपी एम्बेडन मेयर ऑफ पाथवे, ग्लाइकोलिसिस पाथवे को हम लोग ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एम्बेडन मेयर ऑफ पाथवे, ईएमपी एम्बेडन मेयर ऑफ पाथवे, ईएम पाथवे, है ना। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे को दिया था। ठीक है, ये था ओपन, फाइन। यहाँ पे क्या होना है, एक्सोस्मोसिस, फाइन। क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा है। ओके, अब क्या हो जाएगा, द सेल विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल कंडीशन, फाइन। यहाँ का स्टोमाटा अपर्चर क्लोज हो गया, क्लोज स्टोमाटा अपर्चर, ओपन स्टोमाटल अपर्चर। इट्स योर टर्न नाउ, क्वेश्चन पूछना है पूछो। सर, जब स्टार्च ब्रेक डाउन करता है तब एनर्जी रिलीज नहीं होता है? पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, है ना, पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा यहाँ पे स्टार्च का, है ना। ये जरूरी नहीं है कि हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो ये अपना डेस्टिनी तक पहुंचेगा,
ना, यही तो होता है एम्फीबोलिक पाथवे। फाइन, इसमें तुम्हारा मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों चलते रहता है, बताएंगे ये रिस्पिरेशन वाला चैप्टर में। और कुछ पूछना है? ये हो गया था, हम अभी बताएंगे आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन। इसको मैं शेयर कर देता हूं और अगले पेज से स्टार्ट करता हूं। चलो एक ही साथ कर देंगे। फाइन, ये कौन सा लेक्चर हो जाएगा? 11:11:07। ठीक है, दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। इसके बाद गटेशन बताएंगे। फाइन, पूछेंगे गटेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन। PRANSPIRE ट्रांसपिरेशन है ना, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो ट्रांसपिरेशन के अफेक्ट करते हैं, करता है। क्लैम प्लांट्स में भी सेम मैकेनिज्म होता है, उसमें तो रात में नस्टोमेटा ओपन रहता है। कौन बोला? अच्छा हाँ, क्या बोली? हाँ, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? रात में स्टोमाटा ओपन होता है, ठीक है, हाँ होता है। कैम प्लांट्स में जो अभी आप मैकेनिज्म बताए स्टोमाटा ओपन क्लोज का, वही रिएक्शंस होते हैं। हाँ वही होगा, है ना, उसका भी बताएंगे हम किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाता है ना, रात को क्या स्ट्रेटजी अपनाता है कि उसका स्टोमाटा खुल जाता है रात के समय में, है ना। और सब रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर से ही ना, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कैम प्लांट के केस में क्या हो रहा है। रात के समय में स्टोमाटा बंद रहता है, सॉरी, रात के समय में स्टोमाटा ओपन रहेगा, दिन के समय में क्लोज रहता है। फाइन, बताएंगे वहां पे। टू फैक्टर्स इफेक्ट्स द ट्रांसपिरेशन। पहला एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा हो जाएगा इंटरनल फैक्टर। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बता रहा हूं, एक्सटर्नल फैक्टर द फैक्टर व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट बॉडी। Present outside the plant body. Fine, plant body के बाहर वाला factor, जैसे कि temperature, more temperature, more transpiration.
एक बार में खत्म, फाइन हटाइए. बी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मींस, ह्यूमिडिटी मींस प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. हाँ लो ह्यूम, हाँ इफ देयर इज लो ह्यूमिडिटी देन द ट्रांसपिरेशन विल बी व्हाट मोर देन मोर ट्रांसपिरेशन. फाइन. सी सोयल वाटर, मोर सोयल वाटर मोर ट्रांसपिरेशन. है ना, लाइट, ब्राइट लाइट, खास करके ब्लू वाला, ठीक ना, इस लाइट में स्टोमाटा ओपन रहता है और स्टोमाटा ओपन होने के चलते ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है. मेक्स प्लांट to transpire more. Fine. Sir, blue light से क्या connection है? Blue light, हाँ इस केस में photosynthesis ज्यादा होता है, starch का production ज्यादा होता है, metabolically active रहता है plant इस केस में. कितना हुआ? रेड कलर में भी तो रहता विंड. हाँ हाँ किसमें? रेड कलर में. ये देखो है ना, वायलेट इंडिगो ब्लू लाइट में मैक्सिमम होना है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ट्रांसपिरेशन रेट कमता जाएगा. विवक्योर, विवक्योर ये देखेंगे. विंड देखते हैं नेक्स्ट. फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि रेड रीजन एंड ब्लू कलर वाले में ज्यादा होता है. हाँ तो कंपैरेटिवली ब्लू वाले रीजन में ज्यादा होना है, है ना, ब्लू वाले रीजन में ज्यादा होना है, ठीक है ना. इट इज रिलेटेड विद एक्शन स्पेक्ट्रम, इट इज रिलेटेड विद एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम क्या था? है ना, कौन से लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है उस लाइट में ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, है ना. तो अकॉर्डिंग टू द एक्शन स्पेक्ट्रम, ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है ना, इस तरीके से ग्राफ आता है. फाइन, तो इस रीजन में ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा. नेक्स्ट देखते हैं विंड, है ना. विंड क्यों ट्रांसपिरेशन को इनहांस करता है जी? फॉर एग्जाम्पल ये पत्ता है ना, पत्ते के आसपास मॉइस्चर प्रेजेंट है, फाइन, इवेपोरेटेड वाटर प्रेजेंट है, फाइन, ओके. दिस इज केस वन. केस टू में बता रहा हूं, ये पत्ता है ना, पानी इसके आसपास भरा हुआ था, विंड आया बाहर के लेके चला गया, क्या हो गया यहाँ पे? फिर से खाली जगह आ गया, पानी नहीं है यहाँ पे, है ना. तो क्या होगा? फिर से इवेपोरेट करेगा. ओके, सो हाई विंड, हाई विंड प्रमोट ट्रांसपिरेशन. फाइन, हटाइए. ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स. नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ इंटरनल फैक्टर्स. है ना, इंटरनल फैक्टर्स, फैक्टर्स जो पौधे के अंदर के होते हैं, फैक्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द
इनसाइड द प्लांट. ठीक है, पहला मैं लिख रहा हूं रूट शूट रेशियो. यदि किसी पौधे का रूट और शूट ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा. इफ प्लांट हैज मोर रूट एंड शूट देन इट विल ट्रांसपायर मोर. ठीक है, ये ज्यादा ट्रांसपायर करेगा. टोपोलॉजी ऑफ टोपोग्राफी ऑफ PHY, टोपोग्राफी ऑफ लीफ है ना. यदि पत्ता इस तरीके से प्रेजेंट है ना, इस तरीके से प्रेजेंट है तो इसमें एक कम ट्रांसपिरेशन होगा, और पत्ता यदि इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा है ना. इसके केस में लेस ट्रांसपिरेशन, इसके केस में मोर ट्रांसपिरेशन. ज्यादा एक्सपोज है, इस केस में ये पत्ता ज्यादा एक्सपोज है लाइट से है ना, ये कम एक्सपोज है लाइट से इसीलिए. डायरेक्टली रिलेटेड है इससे. और क्या बताऊं, प्रेजेंस ऑफ स्टिल वर्किंग PRESENCE, प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा, समथिंग वेंट रॉन्ग, अपर्चर, प्लीज ट्राई अगेन है ना. जितना ज्यादा अपर्चर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ट्रांसपिरेशन के, जितना ज्यादा स्टोमाटल अपर्चर होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होना है. फाइन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और कुछ, रूट शूट रेशियो तो हो गया, नंबर ऑफ लीफ क्या है, ए बी सी डी, नंबर ऑफ लीफ, पत्ते कितने हैं, यदि ज्यादा लीफ होगा मोर लीफ मीनिंग मोर ट्रांसपिरेशन. फाइन, ओके. चलिए, यहां से किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़ रहा हूं. डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, कैसे पता कर सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है. डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. हाउ विल नो दैट ट्रांसपिरेशन इज ऑकरिंग. फाइन, तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट है. पहला एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, बेलजार मेथड. सुने हो ये बेलजार मेथड? ठीक है, देखेंगे, डायग्राम में ही देख लेंगे. बेलजार मेथड, आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट 10th में भी. ट्रांसपिरेशन, यस, ये देखो, ये रहा बेलजार मेथड है ना. एक पौधे को क्या करते हैं हम लोग, कवर कर देते हैं जार से है ना, बेल शेप के जार से, या फिर प्लास्टिक से कवर कर देंगे है ना. सोयल वाले पोर्शन को हम वैक्स लगा देंगे ताकि सोयल से पानी इवापोरेट ना करे ना, छोड़ देंगे कुछ देर तक, तो देखेंगे कि प्लास्टिक के ऊपर अंदर साइड से या ग्लास के ऊपर अंदर साइड से है ना वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है. ये दर्शाता है कि पानी छोड़ रहा है पौधा, और उस पानी छोड़ने वाले प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं. नेक्स्ट है कॉपर क्लोराइड पेपर टेस्ट है ना. कॉपर क्लोराइड ब्लू कलर का होता है. ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू इन कलर है ना. ये टर्न हो जाता है, turns pink on contact with water.
जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है, फाइन, इट टर्न्स पिंक। तो क्या करेंगे हम लोग, एक पौधा लेंगे, है ना, ये पौधा का लीफ है, फाइन। इस लीफ के ऊपर, इस लीफ के ऊपर एक स्ट्रिप बांध देते हैं हम लोग, ठीक है, वी प्लेस अ स्ट्रिप ओवर हियर, है ना। कुछ देर बाद देखेंगे कि ये जो स्ट्रिप है, दिस स्ट्रिप टर्न्स पिंक। यदि पिंक टर्न हुआ मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। पिंक टर्न नहीं होगा मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तीसरा मेथड बता रहा हूं, पोटोमीटर। पोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है कितना पानी खर्च हुआ। ठीक है, ये देखेंगे डायग्राम में, यहाँ पे देखो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है पोटोमीटर के लिए। जेसी बोस अपने ही देश के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करा था। देख पा रहे हैं पोटोमीटर किस तरीके से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है सर। देखिए नहीं आ रहा है कि आ रहा है, है ना, जो एयर बबल है ना, नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सेटअप समझ में आया, सेटअप समझ में आया। प्लांट को हमने एक कैपिलरी ट्यूब में इंस्टॉल कर दिया है, फाइन, और ये ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया है रिजर्वोयर से, वाटर रिजर्वोयर से, या फिर कंटेनर में हम बीकर में पानी ले रखा है, फाइन। और हमने क्या करा है, एक बबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, जानबूझ के हमने एक बबल इंट्रोड्यूस किया है पाइप के अंदर, फाइन। अब शूट से जब पानी ट्रांसपायर होगा, है ना, तो ट्यूब के अंदर पानी की कमी होगी, तो ट्यूब के अंदर तो पानी आएगा सिफोनिंग के माध्यम से, पानी तो कंटिन्यू है ना, तो ऊपर से जब पानी खत्म होगा तो नीचे से तो खींचेगा ही। जब पानी ट्यूब के अंदर मूव करेगा तो एयर बबल भी तो मूव करेगा। एयर बबल मूव कर रहा है तो ये डिमोन्स्ट्रेट करेगा कि कहीं ना कहीं पानी खर्च हो रहा है, फाइन। यहां से भी देखो, ये कैपिलरी पीपेट के अंदर हमने पानी भर दिया है, ठीक है, कैलिब्रेटेड पीपेट के अंदर। कैलिब्रेटेड पाइपेट कहना मतलब कैलिब्रेट करने का मतलब मेजर कर देना, है ना। पानी भर कर दिया हम स्टेप ट्यूब में और उसके अंदर हमने, है ना, ट्रांसपिरेशन होगा, तो नीचे पानी भरेगा। तो देखो ये पानी का लेवल नीचे की तरफ मूव करेगा कैलिब्रेटेड पीपेट के अंदर, आएगा कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब पर क्या हो रहा है देखो एक बार, ना समझ में आया तो फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। हेलो सर। ओके फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के चलते
वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट होता है ट्रांसपिरेशन मेक्स द मूवमेंट ऑफ throughout the through the plant spelling देख लेंगे fine it keeps the plant body cool है ना plant body को ठंडा रखता है Only 1% of the water is used for photosynthesis. सिर्फ 1% उससे भी कम परसेंट का ही पानी इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए बाकी ट्रांसफर कर जाता है ना इट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन Function of cloud CLOUD है ना बादल बनने में भी मदद करता है ये तो जिस एरिया में प्लांट ज्यादा होंगे वहां पे बादल भी बने keeps the plant shape in proper manner PROPM Transpiration possible इस चीज को ये बता पाएंगे ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ज्योत्सना मिली संजना आदित्य हिमांशु कैन यू गेट दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी आवाज क्लियर नहीं है बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्यों पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अब दे रहा है तो
हाँ मिली, अब सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ बता सकते हो कैसे रिलेटेड है ट्रांसपिरेशन से? ट्रांसपिरेशन पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। बड़ी कोई बता सकता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से एक कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर रहेगा, और वाटर का होना जरूरी होता है लीफ पे, तो उसी की वजह से ट्रांसपिरेशन सॉरी फोटोसिंथेसिस भी होगा। फोटोसिंथेसिस होने के ही ट्रांसपिरेशन होता है। सर फोटोसिंथेसिस होने से कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का, जिसकी वजह से कि प्लांट वार्म हो जाता है, और ट्रांसपिरेशन से प्लांट अपने बॉडी को कूल करता है। सी ट्रांजिशन कब होगा? जब स्टोमाटा ओपन होगा। स्टोमाटा ओपन होने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ स्टार्च, एंड स्टार्च इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? तो यहाँ पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के ट्रांसपिरेशन होने के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। नाउ अब फोटोसिंथेसिस होने के लिए पानी चाहिए, और पानी कैसे मूव करेगा पौधे के अंदर? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत है ना? ओके तो कहीं कहीं पे स्टेटमेंट ये मेंशन किया गया है, फाइन, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्रोमाइज, है ना? एक कॉम्प्रोमाइज है दोनों के बीच में, के दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म है कि भैया आप हमें फोटोसिंथेसिस में मदद करो, हम आपको ट्रांसपिरेशन में मदद, फाइन। यही चीज हम बताना चाह रहे थे इस पॉइंट में। ठीक है, पॉसिबल ड्यू फोटोसिंथेसिस। इट इज सेड दैट ट्रांसपिरेशन promise एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज है फॉर ट्रांस स्टार्च इज नीडेड। और स्टार्च इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च इज द प्रोडक्ट ऑफ
चलो हो गया, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन का कॉम्प्रोमाइज है, खत्म होता है ना. तुम सुने हो गटेशन? यस सर. गटेशन तुम सुने हैं? रात में जो पानी आता है लीफ में. हाँ हाँ, इट इज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक ना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ टिप. स्टोमाटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, फाइन. इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ टिप इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग. इट इज द लॉस ऑफ वाटर अलोंग विथ न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, फाइन, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट थ्रू लीफ टी और लीफ मार्जिन और मार्जिन फ्रॉम फॉल्स एंडिंग. फॉल्स एंड ऑल सब इंपॉर्टेंट है. हियर हाई द थॉट्स इज इंपॉर्टेंट. फाइन, हाइड्रोथॉट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट यहाँ पे. फाइन, वाटर लॉस है और ये कब होता है? देयर इज नो ट्रांसपिरेशन. इट हैपेंस व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई. रूट प्रेशर इज हाई एंड व्हेन there is less अरे रुक, एक मिनट, का है कर रहे ये क्यों किया? ट्रांसपिरेशन जब नहीं होगा तो खुद मार में कौन यार ये देखा तो चुपचाप करना. अच्छा नहीं ऐसी क्या रखी है उसी के पिटा दे मैं. यहाँ से हाइड्रोथॉट क्वेश्चन आता है, इज नथिंग बट द एरिया प्रेजेंट इन लीफ मार्जिन है ना. सो गटेशन होता है ड्यूरिंग विंटर्स. Guttation occurs mostly during winters. Fine, winters के दौरान guttation ज्यादा होता है. Guttation is also known as bleeding. Guttation is also known as bleeding. Okay, let me show you some diagram for guttation. ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है, सुबह सुबह जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे लॉन होगा आपके, होगा उसमें देखेंगे कि पत्ते के टीप से है ना पानी निकल रहा है. guttation होता है root pressure, and root pressure is in shrubs and herbs. बड़े बड़े ट्रीज में नहीं देखा जा सकता. फाइन, तो गटेशन घासों में देखने को मिलेगा, छोटे पौधों में देखने को मिलेगा, बड़े पौधों में देखने को मिलेगा. हेलो.
हेलो तो डायग्राम प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का. इस तरीके दो सुबह सुबह देखेंगे सब लोग जाके फोटो खींच के भेजेंगे. इस तरीके से कुछ बहुत ही सुंदर लगता है देखने में इस तरीके से. सी ये देखो ये नहीं शो कर रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. नहीं हाँ हाँ सर. हाँ दिख पा रहे हैं, अभी सुन पा रहे हैं? इन में तो नहीं दिख रहा. फाइन फाइन लेट मी शेयर. अब दिख रहा है अब स्क्रीन? इज इट विजिबल? होम पेज दिख रहा आपका? होम दिख रहा है? अभी तो मैं तो गूगल ओपन कर रखा हूँ, नहीं दिख रहा ये. आएगा लेट से आएगा, लेट से आएगा. वेट दिख रहा है कुछ सर? ओके इसी को गटेशन कहते हैं, है ना. कल सुबह उठेंगे है ना, गार्डन में जाएंगे, दिखेंगे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके टिप से पानी चूरा होगा, उनके टिप पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे. फाइन वो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रखे हैं बिकॉज ऑफ गटेशन. फाइन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको गटेशन कहते हैं. होता है जब रूट प्रेशर ज्यादा होता है. फाइन रूट प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि स्टेम में पानी ज्यादा है. पानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि रूट के आसपास सोइल के अंदर पानी ज्यादा है ना. बहुत सारा सॉल्यूट एब्जॉर्ब किया है रूट ने, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो रखी थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए रूट ने पानी एब्जॉर्ब करा था. तो वो पानी फेंकेगा कहाँ है, है ना. तो वो जबरदस्ती पानी को निकालता है थ्रू दिस फॉल्स ओपनिंग दैट इज हाइडेथॉर्स. फाइन और ध्यान देंगे, गटेशन के दौरान मिनरल्स भी लॉस होता है. गटेशन लीड्स टू लॉस ऑफ मिनरल्स, है ना. वाइल्ड ट्रांसपिरेशन डू नॉट, वाइल्ड ट्रांसपिरेशन डू नॉट ब्रिंग एनी लॉस. लॉस ऑफ मटेरियल्स, है ना. पानी के अलावा इसका लॉस नहीं करता है. फाइन शैल आई मूव फॉरवर्ड? मिनरल्स का लॉस क्यों हो जाता है? हेलो हाँ क्या क्या? मिनरल्स का लॉस क्यों हो जाता है? क्या बोलियो, फिर से रिपीट करेंगे कुछ? क्या लॉस हो जाता है सर? मिनरल्स क्यों लॉस करता है? अच्छा मिनरल्स क्यों लॉस करता है? सी दिस इज अ स्टेम, है ना. ये स्टेम है, स्टेम के अंदर ये रहा आपका सैप. ठीक है, सैप इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस सॉल्यूट, है ना. अब ये सॉल्यूट को जबरदस्ती भेजा जा रहा है कहीं पे, है ना. फोर्सफुली यहां से निकाला जा रहा है, फोर्सफुली, है ना. तो फोर्सफुली निकाला जा रहा है, तो फोर्सफुली ये पानी निकलेगा ना यहाँ से. फोर्सफुली पानी जब निकलेगा तो वो सॉल्यूट के साथ निकल जाता है.
ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे होता है, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ही स्लो होता है, ग्रेविटी के चलते हो सकता है कि सॉल्यूट सेटल डाउन हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे हाई रूट प्रेशर है, फाइन बहुत तेजी से इसको भेजा जा रहा है लीफ मार्जिन से निकालने के लिए, तो वो घुले हुए फॉर्म में ही है ना वॉटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। ओके, लेकिन ट्रांसपिरेशन रेट स्लो है, मिनरल्स को टाइम मिल जाता है सेटल डाउन होने के लिए, इवापोरेट नहीं करते हैं, एलिमेंट तो इवापोरेट नहीं करेगा ना। अब कैल्शियम है, कैल्शियम एवापोरेट कर सकता है क्या प्लांट से? मैंगनीज कर सकता है, क्लोराइड आयंस कर सकता है एवापोरेट? नहीं, दे कैन नॉट एवापोरेट, है ना, क्योंकि इवापोरेशन जो हो रहा है वो पानी का हो रहा है, एलिमेंट का नहीं हो रहा है। लेकिन गटेशन के केस में इवापोरेशन नहीं हो रहा है, फाइन, पानी निकल रहा है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, बूंद के फॉर्म में, तो उस बूंद के अंदर मिनरल्स घुले हुए रहते हैं। ओके ज्योत्सना, समझ में आया जी? हेलो, हेलो, ज्योत्सना, हेलो, ओके, समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। बहुत ही नेटवर्क का यहाँ पे दिक्कत है, बहुत ज्यादा। नाउ एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इनटू इन प्लांट्स, है ना, ठीक है। तो मिनरल्स का मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर, थ्रू जाइलम। जाइलम is responsible for transferring the minerals into plant. Plant to different parts of the plant. फाइन, सो होता क्या है, सबसे पहले सोइल से एलिमेंट जाएंगे रूट में, रूट से जाएगा जाइलम में, फाइन, जाइलम में जाएगा, और जाइलम से ये चला जाएगा सिंक के पास। फ्रॉम रूट, फ्रॉम सोइल, एलिमेंट्स एंटर्स इनटू रूट बाय डिफ्यूजन, by diffusion, facilitated diffusion, FACILIATED, facilitated diffusion, and by active transport. है ना, इतने सारे मेथड से सोइल से मिनरल्स पहुंचेंगे रूट तक, एंड फ्रॉम जाइलम दीज मिनरल्स एंटर्स द सिंक। सिंक कहने का मतलब जहां पे रिक्वायरमेंट है, बाय डिफ्यूजन, facilitated diffusion
और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। है ना, इतने सारे माध्यम से मिनरल्स का मूवमेंट होना है फ्रॉम सोइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। फाइन, पहले कहा जाता था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का एलिमेंट्स का मूवमेंट सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद पाया गया कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ट्रांसफर होता है जाइलम के अंदर। प्रीवियसली इट वॉज बिलीव दैट it was believed that the minerals are transported through xylem only in inorganic form. Inorganic form, but according to the experiment, it was found that mineral elements are transported through xylem in organic form too. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हेलो, इसका मतलब समझ पाए कि नहीं आप लोग? ओके, ऑर्गेनिक के फॉर्म में भी जाता है, जैसे कि एनसीईआरटी आप लोग के पास होगा, यदि तो आपको मैं दिखाता। आप लोग के पास एनसीईआरटी है? राइट नाउ डू यू हैव एनसीईआरटी विद यू? यस सर। ठीक ना, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग देखेंगे उसमें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जाएंगे लेटर पेजेस में, एसेंट पेज नंबर 19 में जाके देखेंगे जरा। यहाँ पे देखेंगे, हाँ, एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सटर्स शोज दैट थ्रू सम नाइट्रोजन ट्रबल्स एस इनऑर्गेनिक आयन मच ऑफ इट कैरीड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एस अमीनो एसिड्स, है ना, देखेंगे। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर कैरीड एस ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले एज्यूम करते थे कि जाइलम के अंदर सिर्फ इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जाइलम के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल का भी मूवमेंट होता है, है ना, और ये मटेरियल ऑर्गेनिक के फॉर्म में होते हैं तो वो सिर्फ मिनरल एलिमेंट्स के ही होते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट का मूवमेंट होता है और प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है। फाइन, सो लेट मी मेंशन हियर, ठीक है, नाइट्रोजन इज कैरीड आउट in xylem in the form of amino acid. Amino acid. Fine. Phosphorus and sulfur too are transported in the plants through xylem. Okay, fine. किसे कुछ पूछना है इसके beyond? इसके बाद एक topic बढ़ जाता है, phloem transport, flow from source to sink, mass flow hypothesis या pressure flow hypothesis given by Ernst Mach.
कि आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी का। हाँ बोलो। हाँ बोलेंगे उनका और जो लाइट में होता है उसका लाइट। क्या बोल रही हो? फिर से बोले। जो शेड में रहता है वो लाइट ग्रीन होता है। नहीं, डार्क ग्रीन होता है। और जो लाइट डार्क होते हैं उसका लाइट ग्रीन क्यों होता है? ओके। कोई एग्जांपल दे सकते हो ऐसे पौधे का जो लाइट ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है? ठीक है, ये रिलेटेड है आपके लाइट से। फाइन, ये लाइट से रिलेटेड है। डार्क ग्रीन कहने का मतलब उसका ओरिजिनल कलर गुम होने लगा है। फाइन, उसके ऊपर अलग वेवलेंथ के लाइट पड़ रहे हैं। फाइन, तो अलग वेवलेंथ के लाइट पड़ेगा तो ऑब्वियसली पिगमेंट्स में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। फाइन, थोड़ा सा बदलाव होगा, कहने का मतलब कि जो क्लोरोफिल्स होंगे ना, क्लोरोफिल के कंसंट्रेशन होंगे, जैसे क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, इनके कंसंट्रेशन में वेरी होने लगेगा। ठीक ना, क्लोरोफिल का अमाउंट में वेरी होने लगता है यदि शेड में रह रहा है पौधा और लाइट में रह रहा है पौधा। तो बीच से हम लोग काट देते हैं, मतलब स्टेम को काट देते हैं, तो भी पानी जो निकलता है वो भी रूट प्रेशर की वजह से होता है। हाँ, वो रूट प्रेशर के चलते निकलता है। ये सब आप देख पाओगे छोटे प्लांट में, है ना, गेहूं के प्लांट में देख पाओगे, हर्ब्स और शब्स में देख पाओगे। यू ओन बी एबल टू सी दिस फिनोमेनन इन हायर प्लांट्स। ट्रीज के केस में ये फिनोमेनन नहीं देख पाओगे, हर्ब्स और शब्स में ही हो पाएगा ये चीज। और कुछ ऊज का क्या मतलब है? ऊज का मतलब होता है सैप, वो जो सीक्रेटेड आउट है मटेरियल, उसको ऊज कहते हैं। डब्ल्यू ओ एस ई ना, उसी को ऊज कहेंगे। पसीजा हुआ या फिर क्या बोलेंगे, निचोड़ा हुआ, निकला हुआ, उसको ऊज कहते हैं। बहा हुआ है ना, जैसे कि मान के चलो पस है, कोई वूंड है ना, तो वूंड में से पस अपने आप निकल रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि पस वूज आउट हुआ है। ठीक है, पसीजा हुआ, उसको लेमन भाषा में बोलेंगे पसीजा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ। फ्लूड का बाहर निकलना, उसको ऊज कहेंगे। और कुछ? और कुछ पूछता है?
इफ नो देन आई एम साइनिंग ऑफ. ठीक है, अगले क्लास में इस चैप्टर को खत्म करते हैं और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे. हाँ, कुछ क्वेश्चन करना है आप लोगों को? नेक्स्ट चैप्टर सर वो प्लांट्स का ही. हाँ, क्या बोल रहे हो ज्योत्सना? नहीं सुन पा रहे, एक्चुअली नेटवर्क नहीं है यार ढंग से. सर नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करिएगा ना वो प्लांट फिजियोलॉजी का ही शुरू करिएगा. प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, एनिमल नहीं. आप लोग डिसाइड कर लो और ग्रुप में मैसेज. आप लोग डिसाइड कर लीजिए और ग्रुप में मैसेज करिए. प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, मतलब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है या फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है. और हम अभी जो भी पढ़ाएंगे नोट से ही पढ़ाएंगे. फाइन, और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे. हो सकता है एक हफ्ते में दो चैप्टर भी खत्म कर दे. यदि चाहते हो अपने से पढ़ना तो पढ़ सकते हो. नोट्स हम आपको दे दिए हैं सारे चैप्टर्स का, है ना. अपने से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, डाउट लेना चाहो ले सकते हो, या फिर पढ़ के रखो. उसी चैप्टर को हम पढ़ाएंगे भी और उसी समय डाउट क्लियर भी करते जाएंगे. आप डिसाइड करके बताएंगे हमें नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन या बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन डील करेंगे. चलिए तब, ठीक है, ओके फाइन. चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास. ओके ओके बाय.